वेलकम टू इन्वेस्टर्स केयर। आज हम जिस प्रॉपर्टी में आपको लेके आए हैं, ये प्रोजेक्ट आपको ऑफर कर रहा है स्ट्रेट अवे कनेक्टिविटी फ्रॉम PR7 200 फीट वाइड इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड। 5 मिनट की ड्राइव है इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की। 5 मिनट में आप ITCT मोहाली पहुंचते हैं, जहां पे बहुत सारे IT कंपनीज आ चुकी हैं, चाहे इन्फोसिस हो, HDFC हो, डिफरेंट काइंड ऑफ IT कंपनीज आर देयर। और आपको जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं रिनोन्ड, अच्छे इंडियन लेवल पे, एमिटी एंड प्लाश्का के यहाँ कैंपस सेटअप हो चुके हैं। 5 से 10 मिनट की ड्राइव में आपको ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स यहाँ मिल रहे हैं और आसपास आपको मल्टीपल हाईवे की कनेक्टिविटी भी मिल रही है। जो आपको पटियाला जाना है, आपने शिमला जाना है या आपने हरियाणा जाना है, आपको एक स्मूथ कनेक्टिविटी दे रहा है इंटर स्टेट ट्रैफिक के लिए भी। यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग में आपको ऑफर हो रहा है MYOne कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे लोग अपना घर लेने जाते हैं तो उनको कंस्ट्रक्शन पे डाउट होता है। MYOne कंस्ट्रक्शन एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे आपके डाउट्स खत्म होते हैं बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को लेके और उसके अंदर क्या मटेरियल यूज हुआ है उसको लेके। काफी रिनोन्ड बिल्डर है, ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। आज हम इनकी ग्रुप हाउसिंग में आए हैं। अभी वी आर एट ए क्लब हाउस। ऑलरेडी अच्छे बिल्डर की निशानी है कि वो कॉमन अमेनिटीज पहले ही प्रिपेयर करने लग पड़ते हैं पोजेशन के। यहाँ पे पोजेशन स्टार्ट होने वाला है अगले 1 से 1.5 साल के अंदर, यहाँ फर्स्ट पोजेशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ वी आर एट द अनदर लेवल ऑफ द क्लब हाउस। इस लेवल पे क्लब हाउस में आपको एक सेटअप दिख रहा है जो कॉमन बनाया गया है फॉर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हाउसिंग। और यहाँ पे हमारे पास सैंपल फ्लैट भी रेडी है, लेकिन उससे पहले ग्रुप हाउसिंग में जो मेजर पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल टीयर्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफर हो रही है, क्लब हाउस है, पार्किंग बेसमेंट में आपको यहाँ ऑफर हो रही है, ओपन पार्किंग भी है, 2 कार पार्क्स आपको यहाँ प्रोविजन में दी जा रही है पर फ्लैट के अकॉर्डिंग। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि पार्किंग से रिलेटेड बहुत ट्रबल्स आ रहे हैं ग्रुप हाउसिंग्स में, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन यहाँ दिया गया है। अब हम बिल्कुल अपने सैंपल फ्लैट के आ गए हैं। वी हैव डबल एंट्री फॉर आर सैंपल फ्लैट। ये हमारी मेन अकोमोडेशन में जाती है विच इज मच वाइडर, और यहाँ पे हमारे पास एक +1 अकोमोडेशन है विच कैन बी यूटिलाइज्ड एज योर ऑफिस ऑल्सो, अ होम ऑफिस। वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो घर से काम कर रहे हैं, तो एक आपके एक्चुअल अकोमोडेशन से हटके एक आपको मिल जाती है यहाँ पे अकोमोडेशन। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव डिजाइंड इट एज वर्क स्टेशन, तो आपका यहाँ वर्क स्टेशन है, फाइल्स का काउंटर है, यू हैव पेपर वर्क तो वो आप यहाँ कर सकते हो, और ये आपकी अकोमोडेशन के बिल्कुल साथ है, येट इट्स सेपरेट फ्रॉम योर मेन अकोमोडेशन। फिर वी हैव अटैच वॉशरूम, तो यहाँ पे एक मेन जो एंट्रेंस होगी वो सेपरेट आपकी एंट्रेंस है, वर्क स्टेशन या आप कह सकते हैं 3 BHK, प्लस यू हैव वर्क फ्रॉम होम रूम विद यू। और फिर यहाँ पे हम आते हैं, तो दिस इज आर मेन एंट्रेंस, ये अपार्टमेंट की मेन एंट्रेंस है। आपको एक वाइड डोर मिलने वाला है, समवट इतना वाइड रहेगा और इतना हाइट रहेगी इस डोर की, एंड यू एंटर और यहाँ पे आपको मिलता है एक फॉयर एरिया। फॉयर एरिया भी जिस हिसाब से काफी वाइड है, नॉर्मल इतना वाइड फॉयर एरिया नहीं मिलता बाकी फ्लैट में। हेयर वी हैव आवर हॉल एरिया, यहाँ बाद में चलेंगे, लेट्स फर्स्ट गो टू द फर्स्ट रूम। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रूम विच कैन बी यूटिलाइज्ड एज गेस्ट रूम अकॉर्डिंग टू द बायर्स विश, और ये भी आपको एरिया इसका पूरा मिल रहा है यहाँ पे, और अटैच वॉशरूम आपको मिल रहा है, एंड ऑल्सो वी हैव बालकनी एरिया विच इज कनेक्टेड टू द हॉल एरिया ऑल्सो। आपको एक वाइड एरिया मिल रहा है बालकनी में, ये वाली बालकनी आपकी एल शेप है और इतना वाइड है कि यू कैन इजीली सेट अप अ कॉफी टेबल और अ स्विंग प्लांट कर सकते हैं। जिन लोगों को बालकनीज में ये सब एक्टिविटीज करना अच्छा लगता है, स्विंग या कॉफी टेबल सेटअप, तो उनके लिए काफी अच्छी जगह है। और ये वाली अकोमोडेशन, आपको इस अकोमोडेशन में आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं। ये वाली बालकनी जो अभी हमने देखी, ये हमारे हॉल रूम के साथ भी अटैच है, कॉमन है हमारे फर्स्ट रूम के साथ। सो नाउ लेट्स गो टू द हॉल एरिया विच इज कनेक्टेड टू थ्रू दिस फॉयर। अभी आप जहां खड़े हो वहां पे फॉयर है विच कनेक्ट्स यू टू द रिमेनिंग अकोमोडेशन। इस तरह वो बालकनी थी जहां हम अभी गए थे, आपको एक एल शेप में यहां हमने सोफा प्लेस किया हुआ विच इज वाइडर, और यहां पे हमारा डाइनिंग सेटअप है। इस तरह वी कैन यूटिलाइज इट एज अ पूजा रूम, वैसे यहां भी मिरर लगा हुआ है, एंड दिस साइड वी हैव फॉयर एरिया अगेन जो हमारे रिमेनिंग 2 रूम्स को प्राइवेसी भी देता है। एंड लेट्स गो टू दिस रूम, क्लियर रूम आपको मिल रहा है, साथ में यहाँ पे आपको
काफी बड़ा रूम मिल रहा है, उस तरफ एक काउच सेटअप है, कॉफी टेबल सेटअप है, बड़ा बेड लगा हुआ है, तो भी मूवमेंट की एक अच्छी स्पेस बची हुई है। और ऑन माई राइट हेयर वी हैव अ स्टोरेज स्पेस, पूजा रूम, जो आप प्लान करना चाहें अपने हिसाब से आपको एडिशनल स्पेस भी यहाँ मिल रही है। और अगेन हेयर ऑल्सो वी हैव वन मोर बालकनी विद अस। यहाँ पे हमें ड्रेसर भी मिल रहा है और ड्रेसर में भी एक अच्छी स्पेस है मूवमेंट के लिए, आपकी ड्रेसिंग यहाँ पे है, वार्डरोब्स। और यहाँ पे हमें मिल रहा है अटैच वॉशरूम, जिसके अंदर पार्टीशन लगा के वी हैव डन अ सेपरेट वेट एरिया, आपको यहाँ बाथरूम के अंदर भी मिल रहा है। सो दिस वॉज आर सेकेंड रूम विद अटैच बालकनी, अटैच वॉशरूम एंड अ स्टोर और ए पूजा रूम इन इट। और लेट्स गो टू द रिमेनिंग अकोमोडेशन। ये हमारा थर्ड रूम है, थर्ड रूम के साथ वी हैव वन मोर वॉशरूम हेयर, तो इसके अंदर भी आप पार्टीशन कर सकते हैं, वाइड वॉशरूम्स हैं यहाँ पे। ये भी आपको क्लियर रूम मिल रहा है, जो वार्डरोब एरिया है वो आपका सेटअप है पूरा का पूरा वॉल के अंदर, तो क्लियर रूम है। और यहाँ पे हमें अगेन वी हैव आर बालकनी एरिया, तो जितने भी हमारे रूम्स हैं इसमें ये सारे हमारे क्लियर रूम्स हैं। वार्डरोब एरिया भी आपको अप टू सीलिंग है और वार्डरोब्स का प्रोविजन आपको इसके अंदर मिलेंगे। हियर यू कैन सी जो भी प्रोविजन आपको आपने अपने हिसाब से डिजाइन करवाना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हर एक स्टोरेज है, अपर स्टोरेज, हैंगिंग एंड लोअर स्टोरेज इन द बॉक्सेस। नाउ लेट्स गो टू द हॉल एरिया अगेन, और अब आपको दिखाते हैं यहाँ का मेन जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है, हमारी जितनी भी फीमेल व्यूअर्स हैं उनको अच्छा लगने वाला है, तो वो है किचन, किचन का एरिया। अब जो किचन है वो नॉर्मली आपको दिखता है रेक्टेंगुलर शेप में या एल शेप किचन, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एक स्क्वेरिश किचन, सुपर वाइड मेरे हिसाब से तो, और जिसके अंदर सारे प्रोविजंस भी आपको मिल रहे हैं। फ्रिज आपने बड़ा सेटअप करना है तो डबल फ्रिज सेटअप प्लेस करके यहाँ दिखाया हुआ है। रेस्ट वी हैव होल ओटीजी माइक्रोवेव और स्टोरेज का आपको यहाँ पे सारा सिस्टम मिल रहा है। अंदर किचन में आपको एक मिल रहा है ड्राई सिंक, और जो किचन के साथ वाली हमारी यूटिलिटी बालकनी है यहाँ आपको मिल रहा है डबल सिंक, जो आ जाएगा वेट सिंक आपका, और साथ में आपको एक वॉशिंग एरिया या वेट जोन का भी प्रोविजन यहाँ मिल रहा है। वॉशिंग मशीन का सेटअप आप कर सकते हैं या यहाँ पे एडिशनल जितना भी वेट आपका काम है किचन का वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये किचन पसंद आएगा। रेस्ट पूरी अकोमोडेशन आपने देखी, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम, तीन रूम्स अटैच वॉशरूम के साथ और बालकनीज तीनों रूम के साथ अटैच हैं। हॉल के साथ एक कॉमन बालकनी है। डाइनिंग एरिया, हॉल एरिया आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मोर ओवर इस पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी हम कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं वो सारी मायवान कंस्ट्रक्शन है, तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी है। अगले एक से डेढ़ साल में आपको यहाँ फर्स्ट पोजेशन ऑफर होने वाले हैं। आप अकोमोडेशंस अगर देख रहे हैं 3 BHK की, 2 BHK की, 3+1 BHK की, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलने वाले हैं। कनेक्टिविटी और लोकेशन काफ़ी अच्छी है, एयरपोर्ट से आप 5 मिनट्स के दूरी पे हैं यहाँ से, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन बन जाता है। रेस्ट अंदर ग्रुप हाउसिंग में प्लानिंग काफ़ी अच्छी है, आपको बेसमेंट पार्किंग के प्रोविजन, ओपन पार्किंग फॉर गेस्ट, और साथ में आपको क्लब हाउस में यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ है दोनों पे ध्यान दिया गया है। तो अगर आप ऐसी ही अकोमोडेशंस देख रहे हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर्स बाय बुकिंग योर अपॉइंटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।